मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर बुधवार को 24 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 27,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनकी थर्मल स्कैनिंग किया गया और उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद उनको लंच पैकेट, फल, बिस्किट, पानी की बॉटल दिया गया। उसके बाद श्रमिकों को उनके जिले की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। ट्रेनों के लिए 1, 2 और 9 नंबर के 3 प्लेटफार्मों को निर्धारित किया गया है। तीनों प्लेटफार्म पर श्रमिकों की जांच के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रमिक महफूज अंसारी, महमूद आलम, सुरेश कुमार, एसीएम अरुण कुमार सिंह व एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जाने वाले स्थान के लिए बसें लगी हैं। इनका क्रमवार पूर्व दिशा से 1 नंबर से शुरू है। बस संख्या 42 कौड़ी राम पहलगंज हरिघाट दरियान के पीछे 8 नंबर की बस जाएगी, कुशीनगर पावना जाएगी 18 नंबर, 17 नंबर देवरिया बलिया 8 नंबर, देवरिया चौड़ी चौरा
महफूज अंसारी। कहाँ से आ रहे हैं आप? अपना कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से आ रही है सर, कुरला से जाएंगे ग्राम जगन्नाथपुर पोस्ट मंडप जिला बस्ती थाना परसलामपुर तहसील अररिया। सरकार के द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। मेरा नाम महमूद आलम है, मुंबई से आ रहा हूं। ये अपना जगन्नाथपुर थाना परसरामपुर आवाज़ नहीं आ रहा आपका। सरकार के द्वारा घर पहुंचाया जा रहा है जी सर, उनका बहुत बहुत मेरे पे शुक्र गुजार है कि हम लोग को एक फ्री में पहुंचा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब मेरा सुरेश कुमार जायसवाल, बनारस जाना है। घर पहुंचाया जा रहा है, नहीं नहीं कुछ कहना नहीं चाहिए, जो भी है सब ठीक है। यहाँ पे जो भी यात्री आ रहे हैं उनको उनका जो है पंजीकरण करा के, और पंजीकरण कराने के पश्चात उनको पानी भोजन फल ये सब सुविधा देके उनको गंतव्य स्थानों के लिए बसों में बैठाकर रवाना किया जा रहा है। स्टेशन पे बहुतायात तो हमारे जो गोरखपुर मंडल के हैं यात्री वो आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी यात्री आ जा रहे हैं जो कि बिहार जिनको जाना है, तो उनको भी हम बिहार के बॉर्डर तक बसों द्वारा पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे कुछ 7 पंजीकरण काउंटर हैं और जिसमें हमारे 4 कर्मी लगे हैं जो कि उनका पूरा डिटेल नोट करते हैं, और उसी पंजीकरण काउंटर के बगल में उनके फल और जलपान की व्यवस्था भी की गई। आज 24 ट्रेनें हैं आनी, जिसमें से अभी तक मात्र 6 ट्रेनें आई हैं, और सभी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ट्रेनों में बैठकर यात्री आ रहे हैं। और यहाँ पर भी स्टेशन पर तीनों प्लेटफॉर्म पर 1 नंबर 2 नंबर और 9 नंबर पर वहाँ पर सर्किल्स बने हुए हैं जिसमें खड़े होकर यात्री अपना डिटेल नोट कराते हैं, नाम है, पिता का नाम है, पता है, मोबाइल नंबर है, किस जनपद में जाना है, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब डिटेल लेने के बाद वो 20 से 25 की रेंज में हर बसों में बैठा के रवाना किए जा रहे हैं और वो अपने गंतव्य डिस्ट्रिक्ट को जा रहे हैं। सर कितने जांच काउंटर और कितने बसों लगा रहे हैं? हर प्लेटफॉर्म पर कम से कम 13 स्कैनिंग डिस्क लगी हुई हैं जहां पर पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, टेम्परेचर है, ऑक्सीमीटर से जांच है, वो सब करने के बाद ही रवाना किया जाता है। पानी की बॉटल्स वगैरह उनको उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वो आराम से सफ़र में खाना खाते हुए जाएँ।